इंडिया ये है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपोज्ड। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर रेलवे ट्रैक्स बिछाना अच्छा आइडिया नहीं होता, जैसे कि लहरों से भरे समुद्र के बीच। ये सोचकर हैरानी होती है कि ये रेल ब्रिज अभी तक टिका कैसे हुआ है। इस रेल रोड ने इतनी ज्यादा मुसीबतें झेली हैं कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस ट्रैक का सबसे खतरनाक दुश्मन है इंडियन ओशन। ऐसे ट्रैक पर कोई ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो बचने की उम्मीद ना के बराबर होगी। ये चमत्कार ही है कि ये अभी तक खड़ा कैसे है। पामबन ब्रिज, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपोज्ड रेलवे। साउथ इंडिया, चेन्नई से जरा सा साउथ में पामबन ब्रिज और तबाही के बीच खड़ी है ये मेंटेनेंस टीम। इनका मिशन, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रिज से ट्रेन्स गुजरती रहनी चाहिए। ये अपने काम पर जा रहे हैं, कई सौ मीटर अंदर समुद्र के बीच में। सिर्फ एक मीटर चौड़ा और लगभग ढाई किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक पैसेंजर्स और सामान को रामेश्वरम आइलैंड और मेनलैंड के बीच लाता ले जाता है। इसके नीचे बहता है इंडियन ओशन। इसकी पोजीशन ऐसी है कि पामबन ब्रिज और इस पर काम करने वाले लोगों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। न सेफ्टी बैरियर्स, न रोप्स और न ही लाइफ जैकेट्स। एजे अशोक कुमार इन हालातों में यहाँ हर रोज काम करते हैं। यहाँ किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस ट्रैक पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा पैर फिसला और 100% डेथ। हवा भी बहुत जोर की चलती है, कई लोग मर चुके हैं। यहाँ पर इस तरह बहुत गहरा है ये पानी, जो भी इसमें गिरता है वो मर जाता है क्योंकि हवा बॉडी को समुद्र की तरफ धकेलती है। इस लोहे के ब्रिज का सबसे बड़ा दुश्मन है जंग। इसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तेज हवाएं, लहरें, सॉल्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, हाईली कोरोसिव एलिमेंट्स। इसलिए इसे ठीक रखने के लिए बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसको जंग से बचाने के लिए अशोक हर रोज इस ट्रैक के सबसे ज्यादा जंग वाले हिस्से को उखाड़ते हैं और पेंट से सील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें सिर्फ अपना पैर फिसलने की चिंता ही नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त ये क्रू यहाँ पर काम कर रहा होता है इस पर से ट्रेन्स गुजरती रहती हैं, और उस वक्त सबसे पास वाला सेफ्टी प्लेटफॉर्म 30 मीटर की दूरी पर हो सकता है। ये इंडियन रेलवे सिस्टम के इतिहास की एक बेहद अहम कड़ी है और इसीलिए इतनी कोशिश की जाती है इसको ठीक रखने की, और अगर कुछ हो जाए तो इसे रिपेयर करने की भी। लेकिन ये मेंटेनेंस टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाती जब कुदरत अपना असली रंग दिखाती है, क्योंकि ये है एक साइक्लोन कंट्री। और जब कोई साइक्लोन समुद्र में उठता है तो लोकल सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि इस ब्रिज को कुछ ना हो। एस कैलेसेल्वम को याद है कि 22 दिसंबर 1964 को क्या हुआ था जब एक साइक्लोन आया था। ये आधी रात की बात है, बहुत तेज हवा चलने लगी, सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद करके अंदर ही बैठ गए। फिर अचानक घरों की छतें उड़ने लगी और पाम के पेड़ गिरने लगे और कुछ भी नहीं बचा। अगली सुबह गांव वाले ये देखने निकले कि कितना नुकसान हुआ है। सुबह 6 बजे जब सबने देखा क्या हुआ है तो साफ पता चल रहा था ब्रिज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ब्रिज टूटकर समुद्र के पानी में गिरा हुआ था, सिर्फ पिलर ही साबुत बचे थे उसके, बाकी सब डूब गया था। ये ब्रिज जो 1914 से यहाँ था अब टूट चुका था। ये बात सच है कि बहुत से गांवों में भी भारी तबाही मची थी, पर इसके बावजूद सबसे पहले इस ब्रिज को बनाया गया। हैरानी की बात है कि सिर्फ 46 दिनों में पुराने ब्रिज के बचे हुए हिस्सों पर एक नया ब्रिज बना दिया गया। जिन्होंने ये ब्रिज बनाया था आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन इसकी देखभाल कर रही है। ये सच में काबिले तारीफ की बात है कि ये रेलवे अब भी इस्तेमाल होता है।
ये एक सबूत है इस बात का कि जिन इंजीनियर्स ने इसे बनवाया था वो सच में कमाल के लोग थे, और जो इसे मेंटेन कर रहे हैं वो भी कुछ कम नहीं है। आज का दिन अच्छा रहा, कल ये फिर से यहाँ वापस आएंगे और अपने इस खतरनाक काम में जुट जाएंगे।